बाहर निकाले सीता लाल के संगा में जा रहा है हमारे सरगुजा डायरेक्ट दिल्ली से, रायपुर से, बिलासपुर से, बनारस से जुड़ने जा रहा है। तो आज दरिमा एयरपोर्ट को खोला गया है और हमारी बहन लोग देखो काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तुम उनका ड्रेस एकदम मस्त दिखाता है, एक नियर। और आप पहली बार आज हवाई जहाज देखने वाली हैं? नहीं, मतलब देखी हूँ तो मतलब आज मैं देखूंगी। Hey guys, welcome back to my new vlog. आज की vlog video सिर्फ आप लोग के लिए होने वाली है। हमारे पूरे सरगुजा संभाग के लिए बड़ी ही खुश की बात है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, अंबिकापुर को नवनिर्मित एयरपोर्ट की सौगात, माँ माया एयरपोर्ट आज उनका लोकार्पण करना है। और जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि होने वाले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, वो हमारे दरिमा में नहीं आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम सभी से लाइव जुड़ेंगे, हम सभी से ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। और हमारा अंबिकापुर का जो एयरपोर्ट है वो दरिमा में है और आज कई सारे लोग हमारे जो ग्रामवासी है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पे है ना, एरोप्लेन को देखने के लिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और भीड़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं। यहाँ पे हम हमारी बहनें, भाई लोग है ना, कई सारे लोग आए हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। महामाया हवाई अड्डा जैसे देख सकते हैं एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। तो चलिए जैसे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे साज सजावट देख सकते हैं, बलून से पूरा आज एयरपोर्ट को सजाया गया है। क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे सरगुजा वासियों के लिए कि अब हम अंबिकापुर से एरोप्लेन से हम दूसरे जगह, दूसरे सिटी जा सकते हैं आराम से, वो भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, है ना। तो देख सकते हैं पूरा बलून लगा है, काफी ज्यादा भीड़ है। और ये जो ट्रैक जो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली के जो इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, वो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं वही अभी जा रही हूँ। तो अभी हम लोग पैदल चलते हुए आ गए हैं। सामने यहाँ पे देख रहे हैं चेकिंग हो है, हमारी जो मैम, हमारे सर लोग हैं वो अभी यहाँ पे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी होने वाला है। तो अभी हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं और महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर उक्त गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी का अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। आज बहुत ही खुशी का दिन है, ऐसा लग रहा है आज अमृत उत्सव है ना। और इधर पुरुष बैठे हैं, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं। आगे की ओर चलते हैं। आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है हम सभी के लिए, बहुत ही खुशी की बात। दरिमा एयरपोर्ट, माँ महामाया एयरपोर्ट के नाम से आज इस एयरपोर्ट को जाना जाएगा। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति छात्राओं के द्वारा प्रत्येक मनावा बिहान हो ही अंधियारी माँ भलो परान हो ही कोई अपन नीत के बैठाए भीड़ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों ओर आपको यहाँ भीड़ नजर आएगा। सरगुजा संभाग के हर जिले से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी आई हुई हैं। और जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करेंगे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे देख सकते हैं सैलानी थे, सुगनी थे, जो होगा वो यहाँ पे है। और ये अंबिकापुर का दरिमा एयरपोर्ट जो महामाया एयरपोर्ट के नाम से इसे आज जाना जाएगा। पूरे सरगुजा संभाग के जितने भी वासी है काफी ज्यादा खुश है और भीड़ देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। जितने भी हमारे महिला है, पुरुष है, छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे और
तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। अंबिकापुर के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ से स्टूडेंट आए हुए हैं अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम देने के लिए। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भव्य आज कार्यक्रम हो रहा है हमारे अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट में। ये बातें करते हैं जो यहाँ आए हुए हैं आज ही खुशी के दिन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहते हैं और कितना खुश हैं आज? बहुत खुश हैं हम लोग के, यहाँ एयरपोर्ट चालू हो जाएगा आज, मेरा जन्मदिन भी आज। सच में? अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैडम। और बताइए आज इनका बर्थडे भी है और आज कितना खुशी का दिन है ना, आज पूरे सरगुजा वासियों को खुशी का दिन है, है ना? मेरा बर्थडे में आज पूरा यहाँ हो रहा है, उसके लिए सीएम आशिक दिन है आज। जी जी, बहुत यादगार, बहुत यादगार। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सीएम को? सीएम सर हम लोग के बहुत खुश है, है ना, एकदम सरगुजा वासी काफी ज्यादा खुश है। तो आज डबल पार्टी बनता है, पार्टी दे रहे हैं कि नहीं? आज बर्थडे है, देंगे देंगे, है ना? तो आज दरिमा एयरपोर्ट को खोला गया है और हमारी बहन लोग देखो काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे फोटो सेशन ले रहे हैं। पहली बार आप यहाँ ही हैं? हाँ, पहली बार आई। अरे वाह, पहली बार देखिए आई है और फोटो पे फोटो चल रहा है। दीदी तो खूब सेल्फी ले रही है और नीचे हमारी बहन लोग बैठी हैं, है ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ पहली बार आई हूँ मैं, गांव तो हम लोग का पास में ही है लेकिन आज पहली बार आई हूँ, यहाँ पहली बार आई है ना, तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और अच्छा लगा। अरे थैंक यू हमसे मिलके। ठीक है, कहाँ जाने वाली है आप? जैसे जैसे चलने लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे आप? रायपुर, रायपुर जाएंगी? पक्का पक्का। तो देखिए खुशी का यहाँ पे लहर देख सकते हैं आप लोग, जितने भी वासी यहाँ पे आए हुए हैं काफी खुशी के माहौल में सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, साथ में यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, यहाँ पे बच्चे लोग फोटो सेशन ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रुप सेल्फी लिया जा रहा है सभी को। यादगार दिन आज 20 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है आज जितने भी वासी हैं इस एयरपोर्ट पे पहली बार सभी कोई आए हुए हैं, है ना, क्योंकि ये बंद रहता है ना, सिर्फ जो अधिकारीगढ़ है, नेतागढ़ है, वही यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। जो उद्घाटन के शुभ अवसर पर इसे खोल दिया गया है, तो जितने भी ग्रामवासी हैं, शहरवासी हैं, आज यहाँ पे सभी कोई पहुँचे हुए हैं। आइए हमारे दाऊलों से बातें करते हैं। जी दाऊ, कहाँ लिया हंसता है? डुमरडी। कहाँ जगह? डुमरडी धौरपुर से आगे पड़ल। अच्छा, तो आज कितना ज्यादा खुश है तुम बतावा? खुश तो हन। हाँ, आज यहाँ ले एरोप्लेन चढ़ी नहीं? हम्म, कितना खुश हो? खुश हो। पहली बार यहाँ आज की? हाँ पहली। हाँ, तो यहाँ आज पहली बार एरोप्लेन देखे? अच्छा, देखे पहली बार की? देखे हस? नहीं देखे, पहले पहली बार देख रहे हैं ना। तो खुशी का लहर देख सकते हैं, जितने भी हमारे दाऊ लोग जो आए हैं वो खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हरी झंडी दिखाएं और ये एरोप्लेन को देखें, है ना। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे देख सकते हैं दाऊ लोग कुर्सी लोगों का कहाँ लेके जाते हैं? कुर्सी ला बैठे बार कहाँ ले आए हैं? कहाँ ले आए? महेशपुर। इतना दूर ले आए हैं? आइए इनसे बातें करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज ऐतिहासिक दिन पे? बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और सरगुजा संभाग के लिए, पूरे सरगुजा संभाग के जनसमूह आज बहुत ही खुशी का साक्षी बनने जा रहा है। हमारे सरगुजा डायरेक्ट दिल्ली से, रायपुर से, बिलासपुर से, बनारस से जुड़ने जा रहा है, इससे बहुत जनता को बहुत लाभ होगा और बहुत ही अच्छा दरिमा के लिए भी होगा। जी जी, आपकी पहली यात्रा कहाँ की होने वाली है? हमें तो मौका मिलेगा तो यहाँ से अगर डायरेक्ट दिल्ली चलेगा तो दिल्ली भी जाएंगे, नहीं तो रायपुर तो जाना ही है। हमारी एक छोटी बहन मिली है, इनसे बातें करती है। जी क्या नाम है आपका? नैन्सी सिंह। अरे वाह नैन्सी सिंह, कहाँ से हो आप? दरिमा। लोकल यहीं से हो? कितना दूर है यहाँ से, एयरपोर्ट से कितना दूर में है आपके घर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और आप पहली बार आज हवाई जहाज देखने वाली हैं? नहीं, मतलब देखी हूँ तो मतलब आज। तो आप पहली यात्रा कहाँ के लिए करने वाले हैं, कहाँ करोगे आप आगे? रायपुर। रायपुर जाओगे? पक्का? पक्का। अरे वाह, जब भी जाओगे मुझे बताना, मैं भी साथ में चलूंगी, ठीक है? और खुश हो आज? हाँ आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। कितना हैप्पी? ज्यादा हूँ। कितना ज्यादा? इतना कितना ज्यादा? इतना ज्यादा है। इतना ज्यादा? खाना उना खा के आई हूँ अच्छे से? अकेले आई हो और कोई भी आया है? मेरी मम्मी आई है, मौसी आई है, चाची आए हैं, पापा आए हैं, सब पूरा परिवार। ताला बंद है घर?
तो आइए दाई लोग से भी बातें करते हैं और जानते हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन में कितना ज्यादा खुश हैं और कहां से आ रहे हैं। जी कहां से आ रहे हैं आप? कंठी से आ रहे हैं। हाँ, और आज के इस ऐतिहासिक दिन में खुशी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे और कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुशी है हम लोग। हाँ, और आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश। आप? बहुत खुश हैं। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहते हैं मोदी को। धन्यवाद। ठीक है, जाइए फिर आप लोग अपना जगह ग्रहण कीजिए, है ना। आप लोग लेट आ रहे थे, भीड़ हो गया है, देखिए तो कई सारे लोग। आप लोग का सोवा नीत वाले हैं, हैं? का गीत गाएंगे? का गीत गई है तनिके तो सुनाई दिया तनिके गीत मत मन का सुबह की जगह सुना हम सुना तो भ रामानी काले सी सी देखिए भुलाए जा बता तुमन को कानी गुठिया तुमन का ड्रेस एकदम मस्त दिखता है एक नियर गावा रामा निकाल सीता लाल के संग में राम हो सुगा चौदह बार से बिना शुभ ऐतिहासिक दिन पे पूजा वासियों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। बधाई। हाँ। मिठाई खिला रहे कि नहीं? बहुत सारा सारा लेके आए गाड़ी में मिठाई। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत सारा बधाई। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोग कितना ज्यादा खुश हैं ना, और आप लोग की पहली यात्रा कहां से कहां तक के लिए होने वाली है, कमेंट पे ये भी जरूर बताएगा। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं, यहां पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, समय हो रहा है अभी दोपहर के 2 बजने वाला है ना। तो वीडियो को वन सेकेंड यहीं तक रखते हैं, कुछ पूछना है कुछ जाना है तो इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।